नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक और टाइप के एनालिसिस करना, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, और वो ऑप्शन चेन की ही अंदर से ही एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप के एनालिसिस है, जो कि आपको क्लियर कट ट्रेंड का बताती है तरीका कि किस तरीके से हम ट्रेंड फाइंड आउट करें, ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर। और आपने अगर ये एनालिसिस लाइव मार्केट में करनी सीख ली, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट के अंदर अगर जब भी जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर, यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन के नाम से एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पर ऑप्शन चेन को जितने सिंपल तरीके से, जितनी आसान तरीके से हो सकता है, मैंने यहाँ पर एक लर्नर के लिए, जो कि यहाँ पर मार्केट को सच में सीखना चाहता है, उसके लिए, ठीक है, मैंने बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान तरीके से ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना सिखाया हुआ है। ऑलरेडी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी 15 वीडियोस इस वाली ऑप्शन चेन की प्लेलिस्ट के अंदर मैं पोस्ट कर चुका हूँ, और इसके अंदर मैंने हर चीज़ बताई है, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो एडवांस लेवल का हो। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक एक करके सारी वीडियोस देखेंगे और लॉजिक को समझेंगे, और उस लॉजिक को अगर यूज़ करेंगे लाइव मार्केट के अंदर, तो आपको मार्केट धोखा नहीं देगी। ठीक है, हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर। ये ऑप्शन चेन निफ्टी की खुली हुई है, और ये 3 सितंबर 3 सितंबर की ऑप्शन चेन है। दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस, अगर आपने मेरे ऑप्शन चेन की वीडियोस देखी होंगी, तो वहाँ पर मैंने आपको एक रूल समझाया था। वो रूल क्या था? वो रूल दोस्तों ये था कि जो हमारा एट द मनी होता है, पहली चीज़ तो एट द मनी क्या होता है? एट द मनी दोस्तों होता है कि जहाँ पर मार्केट खड़ा होता है, जैसे कि अभी मार्केट खड़ा हुआ है आपका 11,600 के ऊपर, ठीक है, तो 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे मैं हमेशा अपना एट द मनी मानता हूँ। तो इस हिसाब से 11,700 और 11,500, ठीक है, तो 11,500 से लेके और 11,700 तक ये क्या हो गया, मतलब ये क्या लेवल हैं आपके तीनों के तीनों लेवल, 500, 600 और 700। दोस्तों, ये एट द मनी के लेवल हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कि भाई ये इसको 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे जहाँ पर मार्केट खड़ा होता है, उसको मैं ऐट द मनी मानता हूँ। दूसरी चीज़ कि दोस्तों, अब यहाँ पर इस लेवल 11,500 के नीचे जो भी एक्टिविटी हो रही होगी, जैसे कि ये एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ये एक्टिविटी हो रही है और ये भी एक्टिविटी हो रही है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर, तो दोस्तों ये क्या है? ये आउट ऑफ द मनी की एक्टिविटी है पुट साइड के अंदर, और इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं बाइंग, आउट ऑफ द मनी की पुट बाइंग, क्योंकि पुट साइड में हो रही है वो, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं पुट बाइंग। और दोस्तों, पुट बाइंग क्या होती है? वो होती है हमारी बियरिश पोजीशंस। अब ये पोजीशंस रियल हैं या हैजिंग है, ये एक सेपरेट चैप्टर है और ये सेपरेट कहानी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एट द मनी पे हमारे राइटर्स या फिर राइटिंग या फिर ऑप्शन सेलिंग अवेलेबल होती है 11,500 से लेके यहाँ पर और 11,700 तक जो अवेलेबल है यहाँ पर, ये पुट राइटिंग है। इसी तरीके से एट द मनी कॉल साइड का भी इसी लेवल के ऊपर 300 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एट द मनी है, तो यहाँ पर भी राइटर्स अवेलेबल होंगे या फिर राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो राइटर्स ने नई पोजीशंस बनाई है और यहाँ पर राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज की है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो आउट ऑफ द मनी आ रहा है कॉल साइड के अंदर, जो 11,700 के ऊपर है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, तो ये क्या है? ये दोस्तों कॉल बाइंग है, इसको कहते हैं कॉल बाइंग। तो आउट ऑफ द मनी में अगर कॉल के अंदर एक्टिविटी हो रही है, हैवी एक्टिविटी हो रही है, तो डेफिनेटली वो कॉल बाइंग है। अब ये कॉल बाइंग हैजिंग पोजीशंस हैं या फिर रियल पोजीशंस है, ये एक सेपरेट चैप्टर है और इसको भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर, ठीक है।
अब दोस्तों आज के एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है। अब आज की एनालिसिस क्या कहती है कि यहाँ पर जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मिला होगा देखने को कि मैं आपको फोर डायरेक्शनल एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। इसका नाम ही क्या है कि फोर डायरेक्शनल एनालिसिस। अब फोर डायरेक्शन कौन कौन सी हो गई हैं मार्केट के अंदर, ज़रा समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, उसके बाद जाके आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, पहली डायरेक्शन हो गई कॉल राइटर्स की, जो कि यहाँ पर है एट द मनी के ऊपर होती है वो चीज़, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन हो गई दोस्तों पुट राइटर्स की, ठीक है, जो कि आपकी यहाँ पर होती है एट द मनी के ऊपर। एट द मनी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। दो पोजीशन, दो डायरेक्शन पता लग गई आपको। तीसरी डायरेक्शन होती है दोस्तों यहाँ पर पुट बाइंग की, ये वाली पुट बाइंग जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वो है कहाँ पर, वो यहाँ पर है, ठीक है। जो मैंने टिक किया हुआ है ये पुट बाइंग की पोजीशंस है, और पुट बाइंग होता है बियरिश, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कॉल बाइंग की पोजीशंस भी मैंने आपको दिखाई है, ये होता है बुलिश, ठीक है। अब ये ओवरऑल चार डायरेक्शन हो गई। अब मार्केट किस तरीके का रिएक्ट करेगा एक पर्टिकुलर डे के अंदर, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास चार डायरेक्शन हो गई, हमने पता लगा लिया यहाँ पर, और वो चार डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा डीपली और बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर दी है दोस्तों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे कि हम इन चार डायरेक्शन को किस तरीके से लाइव मार्केट के अंदर यूज़ करें, इस चार डायरेक्शन के एनालिसिस कैसे करें लाइव मार्केट के अंदर। दोस्तों देखिए, अब पहला सिनारियो लेते हैं कि हम समझते हैं कि भाई मार्केट रहेगा बुल, यानी कि मार्केट रहेगा बुलिश, मार्केट मतलब ऊपर जाएगा। इस सिनारियो के अंदर क्या होगा कि चार कंडीशंस जो हैं, चार डायरेक्शंस जो हैं, चार डायरेक्शंस में आपका तीन डायरेक्शन कम से कम बुलिश फेस में होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे होगा वो, अगर बुलिश मार्केट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एट द मनी जो ये है 500 का लेवल, 600 का लेवल और 700 का लेवल, यहाँ पर आपके पुट राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे, जिसका मतलब सिंपल सी क्या होती है कि बुलिश पोजीशंस होता है। तो पहली डायरेक्शन हो गई बुलिश, ठीक है। अब सेकंड डायरेक्शन चेक करते हैं कि सेकंड डायरेक्शन ये है कि यहाँ पर अगर मार्केट को बुलिश होना है तो पुट राइटर एक्टिव हैं, लेकिन दूसरी डायरेक्शन क्या है कि यहाँ पर कॉल राइटर्स भी एक्टिव होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अपने को दिख रहे हैं। तो दो डायरेक्शन हमको पता लग गया, पुट राइटर्स बुलिश हैं, कॉल बायर्स भी बुलिश होते हैं। अब अपने को तीसरी डायरेक्शन भी देखनी है, तीसरी डायरेक्शन अपने को भी पता लगानी, मतलब लगना चाहिए उस डायरेक्शन से भी कि क्या वो बुलिश है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कॉल अनवाइंडिंग भी हो रही है एट द मनी के ऊपर, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। अगर कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं दोस्तों, तो ये भी एक बुलिश साइन है। तो यहाँ पर अपने को तीन डायरेक्शन ऐसी मिली जो कि बुलिश थी फ्राइडे को, ये ऑप्शन चेन फ्राइडे के बेसिस के ऊपर बनी हुई है, नया डाटा जो है मंडे को आएगा, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, आप जाके खुद चेक कीजिएगा। तो थ्री आउट ऑफ फोर डायरेक्शन ये क्या बता रहा है, ये भी बुलिश बता रहा है, ये भी बुलिश बता रहा है और ये भी बुलिश बता रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है यहाँ पर जो बेयरिश बता रहा है, जो कि पुट बाइंग की है। तो यहाँ पर अगर मेजॉरिटी देखें तो थ्री आउट ऑफ फोर, ठीक है, थ्री डायरेक्शन आउट ऑफ द फोर डायरेक्शन, व्हाट इट इज सजेस्टिंग, इट इज सजेस्टिंग दैट द मार्केट इज बुलिश। तो इन दैट केस यू विल गेट द मार्केट ट्रेंड एज ए बुलिश ओनली, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो पहला हमने यहाँ पे बुल फेस पढ़ लिया, बुल फेस रीड कर लिया। अब हम दूसरा फेस देखते हैं कि यहाँ पर बियरिश रहना है मार्केट को, यानी कि यहाँ पर मार्केट को जो है बियरिश होना है, तो वहाँ पर क्या क्या, ये चार डायरेक्शन में से कौन सी तीन डायरेक्शन ऐसी होंगी जो कि आपको मार्केट का डायरेक्शन बियरिश देंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है
ध्यान से समझिएगा, वहाँ पर ऐसा होगा कि आपकी कॉल राइटर्स एक्टिव हो जाएगी सेकंड कंडीशन के अंदर, जब मार्केट बेरिश रहेगी तो, और पुट राइटर्स अपने पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देंगे। तो दो डायरेक्शन हो गई, पुट राइटिंग अनवाइंड होगी तो इसका मतलब क्या है, बेरिश पोजीशंस। कॉल राइटर्स अगर वहाँ पर कॉल की राइटिंग करेंगे तो ये भी कौन सा पोजीशंस है, ये भी बेरिश पोजीशंस है, दो हो गई। अब तीसरी क्या है कि वहाँ पर पुट बाइंग भी हैवी होगी तो ये भी रियल पोजीशंस हो गई। तो यानी कि यहाँ पर फिर दोबारा से तीन कंडीशन ऐसी हो गई, आउट ऑफ द फोर कंडीशन थ्री कंडीशंस नाउ इन द बेयरिश साइड। तो इन दैट केस द अब देखो इस किस्से ना सेकेंड सिनारियो में भी यहाँ पर कॉल बाइंग एक्टिव मिल सकती है, लेकिन दोस्तों जब तीन कंडीशन ऐसी हैं, पुट बाइंग, कॉल राइटिंग और पुट अनवाइंडिंग, ये तीनों कंडीशन मिलके जब आपको दिखेगी तो वहाँ पर मार्केट जब नीचे गिरेगा तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कॉल बाइंग हो रही है ये एक हैजिंग का तरीका है और ये एक हैजिंग के लिए ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में मार्केट बेयरिश हो जाएगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से चारों डायरेक्शन को यूज़ करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दो दो क्या कहते हैं सिनारियो और मिल सकते हैं, ठीक है। वो सिनारियो क्या हैं मैं आपको समझा देता हूँ, दो सिनारियो आपको मिल गए हैं, तीसरा सिनारियो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ तो तीसरा सिनारियो दोस्तों वो ये है कि आपको मार्केट मिल सकती है रेंज बाउंड, ठीक है दोस्तों, आपको मार्केट मिल सकती है रेंज बाउंड। अब अगर रेंज बाउंड होगा तो मार्केट वहाँ पे क्या दिखेगा, वहाँ पे आपको क्या सिग्नल मिलेगा, आउट ऑफ द फोर डायरेक्शन, इन फोर डायरेक्शन को कैसे यूज़ करोगे आप, वहाँ पर क्या होगा कि ये एक्टिव हो जाएंगे कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स भी एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स भी एक्टिव हो जाएंगे, दोनों एक्टिव रहेंगे, मतलब इक्वल टाइप की जो स्केल एनालिसिस मैंने आपको करना सिखाया है ऑप्शन चेन के अंदर, उसके अंदर आप करके देखोगे तो दोनों तरफ पोजीशंस इक्वली मिलेंगी आपको, अगर आप देखोगे लाइव मार्केट के अंदर। तो स्केल एनालिसिस की वीडियो जो है आपको ऊपर मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, और मेरी ऑप्शन चेन की हर वीडियो जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको देखोगे दो दो बार देखोगे कम से कम तो बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको, और वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगी बिना कॉस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज बाउंड सिचुएशन में क्या होता है कि रेंज बाउंड सिचुएशन में दोनों तरफ राइटिंग की जाती है, कॉल राइटिंग भी होती है पुट राइटिंग भी होती है। और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है, ये दो डायरेक्शन आपको मिल गई, तीसरी डायरेक्शन में ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कॉल राइटर्स एक्टिव हों, कॉल राइटर्स एक्टिव हो भी सकते हैं या फिर कॉल राइटर्स या सॉरी कॉल बायर्स, यहाँ पर कॉल बायर्स एक्टिव हो भी सकते हैं, कॉल बायर्स एक्टिव नहीं भी हो सकते हैं। यही सेम कंडीशन पुट आउट ऑफ द मनी में पुट साइड की अंदर रहेगी कि पुट बायर्स एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अगर ये दोनों एक्टिव हैं और ये दोनों भी एक्टिव हैं, राइटर्स दोनों तरफ एक्टिव हैं और पुट बाइंग और कॉल बाइंग भी एक्टिव है, दोस्तों रेंज बाउंड मार्केट रहेगी वहाँ पर। और अगर ये दोनों एक्टिव नहीं है, ना कि पुट बाइंग हो रही है ना कि कॉल बाइंग हो रही है, लेकिन राइटिंग दोनों तरफ हो रही है, तो वो भी सिचुएशन दोस्तों रेंज बाउंड की ही है। तो आई होप कि आपको तीनों सिनारियो समझ में आ गए होंगे, बुल कैसे होता है मार्केट, बियर कैसे होता है मार्केट और दोस्तों रेंज बाउंड कैसे होता है मार्केट। ये फोर डायरेक्शनल एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, आपको चारों तरफ अपनी निगाहें रखनी पड़ेंगी कि भाई मार्केट में ऐट द मनी पे क्या हो रहा है कॉल साइड में, मार्केट में पुट ऐट द मनी के ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है, इन द मनी ऐट मतलब आउट ऑफ द मनी में क्या हो रहा है, पुट साइड में पुट बाइंग हो रही है या नहीं हो रही, और आउट ऑफ द मनी कॉल साइड में क्या हो रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और ये फोर डायरेक्शनल में से अगर तीन डायरेक्शन आपको एक सिग्नल देती हैं, चाहे वो बुलिश का दें चाहे वो बेरिश का दें, दोस्तों मार्केट वैसा ही रिएक्ट करेगी, ठीक है, और ये आप समझ लीजिए। और आई होप आपको ये फोर वे एनालिसिस यानी कि फोर डायरेक्शनल एनालिसिस करनी आ गई होगी। दोस्तों हमने यहाँ पर अपना जो कल के दिन हमने अपना निफ्टी व्यू जो है पोस्ट कर दिया है,
ठीक है, उसको भी जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों चैनल में अब आपको कुछ भी लगता है कि आपको सच में कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पर आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लाइव मार्केट में कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।